जय हिंद दोस्तों। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक व्यूअर हैं हमारे राजीव करके, उनके रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। क्योंकि एक मैंने पहले वायरिंग डायग्राम का वीडियो बनाया था, कन्वेयर सेफ्टी विथ सर्किट डायग्राम, तो उसमें मेटल डिटेक्टर, पुल कोड, BSS स्विच को किस टाइप से कनेक्शन किया जाता है पैनल में, और किस टाइप से इसका टोटल सर्किट डायग्राम होता, तो पहले तो मैंने बता दिया था, लेकिन क्या है कि उनको थोड़ा समझने में दिक्कत आ रहा है, इसलिए मैंने क्या किया है कि बहुत सिंपल ढंग से इसको बनाया है। इसमें कोई सर्किट डायग्राम जैसा नहीं बनाया, जो कि आपको बिल्कुल क्लियर कट में समझ में आ जाएगा कि इसमें कहाँ से कौन सा वायर को कनेक्ट करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ जो सबसे पहले लाइन सप्लाई यहाँ पर आता है, जब कंट्रोल वायरिंग में हम लोग कनेक्शन करते हैं, तो एक तो हम क्या करते हैं कि जो न्यूट्रल होता है वो सभी जगह डायरेक्ट प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। और जो दूसरी जो लाइन होती है, जो लाइन जो फेज वायर होता है, उसी से हम सभी जगह सर्किट में कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले मेन सप्लाई ले लिया है, एक लाइन सप्लाई ले लिया है यहाँ से फेज वायर, और फेज वायर को यहाँ पर हमने एक NC स्विच बना दिया है, ठीक। NC स्विच में दो पॉइंट लगे होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि NC स्विच में दो पॉइंट लगे हुए हैं, एक एक नंबर पर, एक दो नंबर पे। तो सेम यहाँ पर वैसे ही है, एक एक नंबर पे आपको लगा देना है इनपुट, और आउटपुट में दो नंबर में लगा देना है। तो यहाँ से आपका दो वायर कनेक्ट हो गया और आगे यहाँ से सर्किट निकल गया। आगे सर्किट निकलने के बाद फिर आपको आ जाता है यहाँ पर स्टार्ट पुश बटन। तो स्टार्ट पुश बटन जनरली ग्रीन होता है, तो इसमें भी आपको दो पॉइंट मिल जाएंगे। तो एक साइड में जो यहाँ से NC स्विच से जो निकल के आया है, वहाँ से एक वायर लेके आपको स्टार्ट पुश बटन में लगा देना है, और यहाँ से एक पुश बटन से आउट कर देना है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब बचा यहाँ पर, हमने लिख रखा है कॉन्टेक्टर KM3, कोई भी कॉन्टेक्टर हो सकता है, ना कि कॉन्टेक्टर KM3। हमने यहाँ पर जस्ट ये समझने के लिए लिख दिया है कि जो हमने सर्किट डायग्राम पढ़ाया था वो उसमें KM3 था, तो यहाँ पर हमने एक लिख दिया। और इसके जो NO पॉइंट होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे एक कॉन्टेक्टर है, ठीक है, और इसके नीचे जो होते हैं ये तो पावर कॉन्टेक्ट होते हैं, और इसके ऊपर जो लगे होते हैं ये होते हैं एक्जिलरी कॉन्टेक्ट, एक्जिलरी ब्लॉक मान सकते हैं, एक्जिलरी कॉन्टेक्ट मान सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो NO पॉइंट होगा, शायद आपको साफ दिख नहीं रहा होगा, तो इसमें जो NO पॉइंट होगा उसमें क्या करना है, तो एक तो यहाँ से NC स्विच से आके यहाँ पर इन कर गया, और यही वायर इसके दूसरे पॉइंट से, यानी कि कॉन्टेक्टर के दूसरे पॉइंट से, अगर इधर से इन किया है तो दूसरे साइड से यहाँ से आउट होके फिर आके वापस जो हमारा जो स्टार्ट पुश बटन है वहीं पर आके दोनों एक ही जगह कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये एक्चुअली क्या करते हैं, इसको कॉन्टेक्टर को होल्ड डाउन देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे हमने ये स्टार्ट पुश बटन दबाया, ठीक है, तो स्टार्ट पुश बटन दबा के जैसे रखा है यहाँ से, तो आप सर्किट डायग्राम में देखे होंगे कि यहाँ से ओपन होता है NO स्विच होता है, तो नॉर्मली ओपन होता है या नॉर्मली क्लोज होता है। तो जब तक आप इसे दबा कर रखेंगे तब तक सर्किट यहाँ से आगे की ओर सप्लाई जाता रहेगा, जैसे आप इसे आप छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से फिर सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि कॉन्टेक्टर के थ्रू इसको होल्ड डाउन देते हैं, कॉन्टेक्टर के थ्रू। अभी इसका जो मेन कॉन्टेक्टर है उसे समझ लेते हैं, और उसी मेन कॉन्टेक्टर को ही ये होल्ड डाउन दे रहा है, ये ठीक है। यहाँ पर सर्किट ब्रेकर था, उस डायग्राम में सर्किट ब्रेकर था, तो सर्किट ब्रेकर में अगर यदि आपके पास MPCB स्विच लगा हुआ है, या फिर नॉर्मल आपको MCB लगा हो, तो ये आपको ये सप्लाई वहाँ पर इन नहीं करेगा, ठीक है। यदि MCB लगा हो तो यहाँ से सीधा बाईपास हो जाएगा, यानी कि ये वायर आपको दिखेगा नहीं वहाँ पर, यहाँ सीधा उठा के आपको डाल देना है R1 पर, और कोन क्रेशर का डेल्टा कॉन्टेक्टर जो होता है वहाँ पर आ जाएगा। ये पहले यहाँ पर समझ लेते हैं, अगर MPCB होगा तो उसके क्या करना होगा आपको कि यहाँ से NO पॉइंट पे सप्लाई देकर, और यहाँ से एक से इन करना है और दूसरे से आउट कर देना है यहाँ से, ठीक है। जब MPCB में जब NO स्विच पर देते हैं, तो जब उसे अब ऑन करते हैं तो उस समय क्या हो जाता है, ये NC बन जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर R1 है, तो R1 के बारे में मैं एक और वीडियो बना दूंगा। ये एक्चुअली क्या है कि मैनुअल टेस्ट सर्किट से ये सप्लाई आता है, ठीक है। एक क्या होता है कि हमारे पैनल में लगा होता है मैनुअल, और दूसरी तरफ होता है टेस्ट, ठीक है। अगर टेस्ट सर्किट में आप करते हैं तो टेस्ट सर्किट से करने से क्या होता है कि R1 को सप्लाई चला जाता है, उस समय क्या होगा कि आपको जो कोन क्रेशर का जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। वो क्या करेगा, देखो दोनों वायर यहीं से आ रहा है, ठीक है, दोनों में से कोई एक ऑन होना चाहिए, यानी कि R1 से R1 यदि ऑन होता है तब भी यहाँ पर आगे हमारा RMD यानी कि रिले मेटल डिटेक्टर को आगे की सप्लाई मिल जा रहा है, या फिर अगर डेल्टा कॉन्टेक्टर भी ऑन होता है तब भी यहाँ पर मेटल डिटेक्टर तक मैंने कि आगे फॉरवर्ड हो जा रहा है, यहाँ से जो सप्लाई फॉरवर्ड हो जा रहा है इन दोनों में से कोई किसी एक के थ्रू। तो जब हम टेस्टिंग करते हैं यहाँ से तब क्या होता है, रिले के थ्रू ये सप्लाई आउट हो जाता है,
और यदि हम मैनुअल मोड में इसको रन करते हैं उस समय क्या होता है कि ये डेल्टा कॉन्टेक्टर कोन क्रेशर का जो डेल्टा कॉन्टेक्टर होता है या फिर कुछ भी हो कोई भी मोटर भी हो सकता है, तो मोटर के जो डेल्टा कॉन्टेक्टर होते हैं वहाँ से ये सप्लाई आउट हो जाते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि यहाँ से MPCB और दूसरे में यहाँ पर R1 या फिर डेल्टा कॉन्टेक्टर से यहाँ से हम आउट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है RMD यानी कि रिले मेटल डिटेक्टर, जो आप मेटल डिटेक्टर देखते हैं, चूँकि ये क्या है कौन फीड कन्वेयर है, तो इससे क्या करना है हमें, इसमें मेटल डिटेक्टर लगा होता है क्योंकि यदि ऐसे में मेटल ना चला जाए इसलिए क्या किया जाता है कि इसी कन्वेयर में मेटल डिटेक्टर इंस्टॉल कर दिया जाता है, असेंबल कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेटल डिटेक्टर में एक सप्लाई यहाँ से, ये एक ही सप्लाई आ रहा है, ध्यान दीजिएगा कि एक ही सप्लाई यहाँ से हमने जो इन किया था लाइन को, वही सप्लाई सब जगह से घूमती हुई यहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है। और यहाँ से RMD में आ गया और RMD से फिर यहाँ से आउट हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ से आउट हो जाएगा। और यहाँ से फिर पुल कोड के दो टर्मिनल होते हैं, जैसे RMD में दो टर्मिनल हुआ तो एक से इन हुआ दूसरा से आउट हो गया, वैसे ही पुल कोड में दो टर्मिनल होगा, एक से इन होगा और दूसरे से आउट हो जाएगा। अब यहाँ से एक और लगा हुआ है BSS स्विच, ठीक है, BSS स्विच में भी एक में इन हो जाएगा और दूसरे से आउट हो जाएगा। अब यहाँ से यदि सारे सिस्टम सही होंगे आपके, RMD सही होगा, पुल कोड स्विच सही होगा, BSS स्विच सही होगा, तब जाके यहाँ पर आपका जो मेन कॉन्टेक्टर है जो KM3 पर यहाँ पर हमने दर्शाया है, यहाँ से BSS स्विच से यहाँ पर A1 पर यहाँ पर यानी कि KM3 कॉन्टेक्टर को, जो मेन कॉन्टेक्टर है जो कन्वेयर का जो मोटर को ऑपरेट करने के लिए जो कॉन्टेक्टर लगा हुआ है उस कॉन्टेक्टर को A1 पर सप्लाई मिल जाता है इतने सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस के पासिंग होने के बाद, ठीक है। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ये। और न्यूट्रल देखिए, यहाँ से हमने न्यूट्रल लिया और न्यूट्रल को हम यहाँ से डायरेक्ट दे देंगे, तो अब यहाँ जैसे हम यहाँ से स्टार्ट पुश बटन दबाएंगे तो ये जो हमारा कन्वेयर है एक्टिव हो जाएगा। यदि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट लगे हुए हैं इसमें कुछ किसी में भी प्रॉब्लम आता है, MPCB ट्रिप हो या फिर कॉन्टेक्टर ख़राब हो, तब जाके आपका ये जो कॉन्टेक्टर है पिकअप नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हमें क्या करना है, यदि आपके पैनल में ऐसा सिस्टम है कि जैसे ही कॉन्टेक्टर ये पिकअप होता है उस समय हमें ग्रीन इंडिकेट कर देना चाहिए, ठीक है। तो ग्रीन इंडिकेटर लगाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से जैसे यहाँ स्टार्ट पुश बटन था और यहाँ से जैसे हमने होल्डिंग दिया था कॉन्टेक्टर को, तो इसी पॉइंट से एक पॉइंट पे सप्लाई उठा लेना, यानी कि या तो आप क्या कीजिए कि जो हमारा एनो पॉइंट होता है यहीं पर वायर कस लीजिए और वायर कसने के बाद यहीं से एक वायर निकाल के आप उसे, क्योंकि यहाँ से होल्डिंग का भी वायर आएगा और एक स्टार्ट का भी, दोनों का यहाँ से आउट का आएगा, ठीक है। तो यहीं से एक और वायर लगा के ग्रीन इंडिकेटर को यहाँ से सप्लाई मिल जाएगा और ग्रीन इंडिकेटर को यहाँ सप्लाई मिलके यहाँ से एक कनेक्ट हो जाएगा और जो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से इसको न्यूट्रल प्रोवाइड हो जाएगा। तो जैसे ही पिकअप हुआ कॉन्टेक्टर, ये कॉन्टेक्टर पिकअप हो गया और ये जो है इंडिकेटर जो है ग्रीन इंडिकेटर ग्लो करना स्टार्ट कर दिया, तो इससे पता चल जाता है कि जो कॉन्टेक्टर है वो ऑन कंडीशन में हो गया है, ठीक है। अब सेकेंड में क्या है कि यदि ये ट्रिप हो जाता है यानी कि बंद हो जाता है कॉन्टेक्टर, तब हमें कैसे मालूम चलता है, तो उस समय क्या करना होगा कि देखिए MPCB में चार पॉइंट होते हैं, जैसे यहाँ हमने पहले भी बताया था कि एक होता है NC और एक होता है NO और दोनों दो कंडीशन में काम करते हैं, या तो ऑन होगा तो NO NC हो जाएगा और ऑफ होगा तो NC NO हो जाएगा, इस टाइप से ये काम करता है। जो हमने मेन लाइन लिया था वही लाइन को हमने यहाँ से फिर वापस ले लिया और यहाँ पर ला के MPCB के एक पॉइंट पर दे दिया और दूसरे पॉइंट से हमने क्या किया है कि यहाँ से आउट कर लिया, और आउट करने के बाद क्या जो रेड इंडिकेटर जो है उसे हमने यहाँ पर सप्लाई दे दिया है कि जैसे ही जो MPCB ट्रिप हो जाती है यानी कि ओवरलोड जब मोटर होगा तब उस समय ट्रिप हो जाती है और उस समय क्या होगा कि जो रेड इंडिकेटर है ऑन हो जाएगा और इसको भी हमने यहाँ पर न्यूट्रल डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।